नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज़। इधर श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण की सुनवाई अब 23 जुलाई को श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी। नो वर्क होने के चलते इस मामले में 23 जुलाई तिथि नियत की गई है। समिति द्वारा अदालत से प्रार्थना की गई है कि ईदगाह परिसर की जियो रेडियोलॉजी सिस्टम और GPS सिस्टम से खुदाई कराई जाए, तब तक विवादित शाही मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाई रखी जाए। ईदगाह परिसर में यथास्थिति बनाए रखने की भी मांग की गई है। इधर बिजनौर में मुथुट गोल्ड लोन फाइनेंस लूट करने आया बदमाश, हाथों में दो तमंचों से किया फाइनेंस कर्मचारियों को आतंकित, लूट में विफल होने पर भागे बदमाश। हवाई फायरिंग में दहशत से युवक की मौत, थाना शहर बिजनौर सिविल लाइन का मामला। मुथुट फिनकॉर्प गोल्ड लोन शाखा बिजनौर में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा तमंचे के बल पर कर्मचारियों को डराया, धमकाया, सायरन बजने पर भागा। दहशत में पॉपकॉर्न ठेले वाले की मौत के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। ये सिविल लाइन में क्या मुथुट फाइनेंस को लूटने का प्रयास किया गया, क्या पूरी घटना? देखिए, लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात किया कि उसके पास कुछ सोना है, लोन लेना चाहता है, यह जानकारी करके और बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा अंदर। फ़ोन किया उसने, किसी को बुलाया कि ठीक है, बात हो गई है, लेके आओ गोल्ड और लोन मिल जाएगा। फिर 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा कोई लड़का नहीं आया। वो स्वयं ही अपना एक ऐसा बताया जा रहा है, CCTV अभी देखी जा रही है कि गन पॉइंट लेने, फिर सायरन बजी है तो भाग गया। क्या उसके फायरिंग से कोई मौत हुई है या हार्ट अटैक से मौत हुई है? नहीं, ये बताया जा रहा है, एक भाग रहा था, पकड़ने का प्रयास किया, एक पॉपकॉर्न कोई बेचता है, वो गिर गया। तो अभी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा उसकी मृत्यु का कारण क्या है। थैंक यू। इधर जनपद संभल में आगामी त्योहारों के संबंध में शासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करने के जाने के संबंध में SP संभल ने दी जानकारी। अगले सप्ताह में हमारे यहाँ बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है तथा साथ में सावन मास होने के कारण कांवड़ यात्रा का पारंपरिक उत्साह के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। इस बारे में मैं जनपद संभल वासियों से अपील करता हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना महामारी के कारण बनाई गई हैं, उनका पूर्णता पालन करें। बकरीद के उत्सव में जो कुर्बानी है उसे घर के अंदर दें। ईदगाह पर नमाज न करने के लिए सभी लोगों को कहा गया है। इसके अलावा मस्जिदों में केवल नियतन गाइडलाइन के अनुसार कम संख्या में लोग अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा न निकाले जाने का निर्णय जो हमारे यहाँ के कांवड़ संघ हैं इनके द्वारा लिया गया है, इसका सभी लोग पालन करें। सरकार की तरफ से इसमें गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिन मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा होती है वहाँ पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके जो आयोजक हैं उनसे ये हम लोगों की एक अनुरोध है कि आप लोग कहीं पर भीड़भाड़ न होने दें, जहाँ पर हैं वहाँ मास्क लगाएं तथा सैनिटाइजर का प्रयोग हर एक मंदिर और मस्जिद के दरवाजे पर किया जाए, जिससे कि हम लोग इस कोरोना महामारी से लड़ सकें और जो आने वाली तीसरी वेव की आशंका है उससे हम लोग चुनौती से अच्छे से निर्वहन कर सके। इधर मुरादाबाद में ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन ने सभी जनपद वासियों से की सहयोग की अपील। नागरिक सुरक्षा कोर के पूर्व चीफ बार्डम निर्यातक हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने ईद की बधाई देने के साथ सभी से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील। इधर मुरादाबाद पहुंचे राज्य के पुलिस के ADG पीयूष आनंद, लाइन पर स्थित पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। पीयूष आनंद ने SP रेल से ही सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। इधर देश में बढ़ती हुई महंगाई एवं किसानों और जनमानस की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। इधर जनपद संभल के ग्राम धनारी के पीड़ित परिवार द्वारा अपनी लापता नाबालिग पुत्री को बरामद किए जाने या अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार का धरना 6ठे दिन भी रहा जारी। धरने को लोक जनशक्ति पार्टी, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, GB के बचाओ आंदोलन समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIML ने दिया समर्थन। इधर जिला कौशाम्बी के मुख्यालय जन आक्रोश आंदोलन के रूप में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रिहाई के लिए 5 सूत्री मांगों के साथ राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। अनवर अहमद और कौशाम्बी तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों के आंदोलन को सफाय बनाने के लिए लोगों से की अपील। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनस एवं हसनैन रामपुर में जनसेवा केंद्र के माध्यम से दस्तावेज करते थे तैयार, पुलिस को मिली थी सूचना। पुलिस लाइन में SPC सिटी अमित कुमार आनंद ने घटना का किया खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
इधर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने मनोज कुमार शर्मा को बनाया मंडल अध्यक्ष, सभी ने किया स्वागत। आर के बाली को सेवानिवृत्त होने के बाद मनोज शर्मा को मिली मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा के साथ मिलकर करेंगे काम। इधर मुरादाबाद के थाना भोजपुर में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बच्चों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। थाना भोजपुर पुलिस ने कहा, पूरी जानकारी करने के बाद होगी जांच, होगी कार्रवाई। इधर ब्रेकिंग न्यूज, भानपुर बनवारी कॉलोनी के पास एक तालाब में महिला की बॉडी मिलने से सनसनी, पुलिस मौके पर मौजूद।